हेलो बच्चों, आज हम ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के भाग एक पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्लोब पर महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं पर और पृथ्वी के ताप कटिबंध पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम ग्लोब से। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ग्लोब होता क्या है। ग्लोब जो है वो पृथ्वी का लघु रूप है, अर्थात पृथ्वी जो वास्तविक रूप में दिखती है उसी का छोटा रूप ग्लोब कहलाता है। ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के होते हैं, जैसे बड़े ग्लोब जिसे आसानी से एक दूसरे स्थान पे नहीं ले जाया सकता, दूसरा छोटा ग्लोब जो कि पॉकेट में रखने के योग्य होता है, और तीसरा गुब्बारा जैसा ग्लोब जिसे आसानी से एक दूसरे स्थान पे ले जाया जा सकता है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी जो है उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पे थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ये आपको ग्लोब को ध्यान से देखने पे पता चलेगा। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी गोल है, तो इस गोल पृथ्वी पे किसी भी स्थान का निर्धारण करना आसान नहीं होता है, तो इसके लिए कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं की सहायता ली जाती है। बच्चों, ग्लोब पर एक सुई जो झुकी सी अवस्था में स्थित है, इसको हम अक्ष कहते हैं, और ग्लोब के दो बिंदु जिससे होकर ये सुई गुजरती है उसको उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। बच्चों, यहाँ पे आपका ये जान लेना जरूरी है कि पृथ्वी पे कोई सुई नहीं होती, वह अपने अक्ष पे चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। तो पृथ्वी पे अन्य अनेक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जिनका चर्चा हम आगे करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा ग्लोब पे जारी रखते हैं। बच्चों, पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा कहलाती है, और यह पृथ्वी को जो है दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। बच्चों, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं, और अक्षांशों को अंश अर्थात डिग्री में मापा जाता है, जबकि विषुवत वृत्त को शून्य द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा ग्लोब पे जारी रखते हैं। बच्चों, क्योंकि विषुवत रेखा पृथ्वी को दो अर्धवृत्तों में बांटती है, तो यहाँ अधिकतम कोणीय दूरी 90 डिग्री की होती है, और इसे हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश समांतर रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अक्षांश समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। बच्चों, उत्तर में इसे N अर्थात नॉर्थ और दक्षिण में S अर्थात साउथ के द्वारा व्यक्त किया जाता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पे। जैसा कि हम जानते हैं, रांची जो है वो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पे स्थित है, और लिम्पोपो जो दक्षिण अफ्रीका में है वो भी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पे स्थित है, पर अंतर ये है कि रांची 23.5 डिग्री उत्तर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में और लिम्पोपो 23.5 डिग्री दक्षिण अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बच्चों, विषुवत वृत्त से उत्तर अथवा दक्षिण की ओर जाने से अक्षांश वृत्तों का आकार घटता जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं पे चर्चा करेंगे।
बच्चों, विषुवत रेखा से किसी समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, उनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण में स्थित सभी रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। बच्चों, विषुवत वृत्त जो 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी, इनके अलावा 4 अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे स्थित है, जो आप इस चित्र में आसानी से देख सकते हैं। दूसरा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो 23.5 डिग्री साउथ में स्थित है। तीसरा, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त जो 66.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। और चौथा, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त जो 66.5 डिग्री साउथ में स्थित है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम पृथ्वी के ताप कटिबंध पे चर्चा करेंगे। बच्चों, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण कर्क और मकर रेखाओं के बीच सूर्य की जो किरणें हैं, वो वर्ष भर जो हैं लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण यहाँ सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है। अतः इसे उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र कहा जाता है। इन प्रदेशों में जो है जलवायु की परिवर्तन ज्यादा फ्रीक्वेंट या ज्यादा नहीं देखी जाती है, और इन क्षेत्रों में पूरे साल ग्रीष्म ऋतु रहता है। आप आसानी से इसे इस चित्र में देख सकते हैं। तो हमारा दूसरा ताप कटिबंध है शीतोष्ण कटिबंध। बच्चों, कर्क रेखा से ऊपर अर्थात कर्क रेखा से उत्तर ध्रुव वृत्त तक तथा मकर रेखा से नीचे अर्थात मकर रेखा से दक्षिण ध्रुव वृत्त तक किसी भी अक्षांश पे सूर्य की किरणें जो हैं वो सीधी नहीं पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ का जो तापमान है वो मध्यम बना रहता है, और इसीलिए इन क्षेत्रों को शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। बच्चों, यहाँ वर्ष में शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दोनों का अनुभव किया जाता है, और इस कटिबंध में जलवायु परिवर्तन की स्थिति भी देखी जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा ताप कटिबंध पे जारी रखते हैं। बच्चों, हमारा तीसरा ताप कटिबंध है शीत कटिबंध। ये उत्तर ध्रुव वृत्त से ऊपर अर्थात उत्तर ध्रुव वृत्त से उत्तर ध्रुव तक तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त से नीचे अर्थात दक्षिण ध्रुव वृत्त से दक्षिण ध्रुव तक सूर्य जो है कभी भी क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में बहुत ठंड पड़ती है। अतः ये शीत कटिबंध वाले क्षेत्र कहलाते हैं। बच्चों, इस प्रदेश में न्यूनतम सूर्यताप की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने ग्लोब पर महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं पे और पृथ्वी के ताप कटिबंध पे चर्चा की, जिसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। और अगली वीडियो में हम देशांतर क्या है, देशांतर और समय और मानक समय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।